हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टोरी आइलैंड। आज जो स्टोरी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ये आईसीएसई के क्लास 3 के इंग्लिश लिटरेचर से है, जिसका नाम है ग्रैंडफादर्स हाउस। ओके, सो लेट्स बिगिन द स्टोरी। ये स्टोरी है हाइडी और उसके ग्रैंडफादर की, तो हम लोग आज जो पढ़ेंगे तो वो इन दोनों के बारे में। लेट्स स्टार्ट। सो बिफोर स्टार्टिंग द स्टोरी, मैं आपको इनके ऑथर के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। इसकी ऑथर हैं जोहाना स्पायरी, जो कि एक स्विस ऑथर हैं, और उन्होंने बच्चों की बहुत सारी कहानियां लिखी हुई हैं। और ये जो हाइडी का कैरेक्टर है ये रियल लाइफ से इंस्पायर्ड है, और जोहाना जो स्पायरी थी उन्होंने काफी से इंस्पिरेशन लेके कहानियां कई सारी इनके बारे में लिखी हुई हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी। हाइडी हैज नो पेरेंट्स। फॉर सम टाइम हर आंट डेडी takes care of her. Then Daddy leaves Heidi with her grandfather, whom she has never met. Grandfather lives up high in the mountains. So Heidi has no parents. यानी Heidi के माता पिता कोई नहीं थे। Heidi was an orphan. For some time, कुछ समय के लिए her aunt Daddy takes care of her. उसकी जो मासी दिख रही हैं आंट यानी उसकी मासी उसकी देखभाल करती रही, उसे अपने पास रखे थी, लेकिन फिर वो उसको उसके ग्रैंडफादर के पास ले आती हैं। देन डैडी लीव्स हाइडी विद हर ग्रैंडफादर, और उसको हाइडी को उनके ग्रैंडफादर के पास छोड़ के चली जाती है, हूम शी हैज नेवर मेट। हाइडी कभी भी अपने ग्रैंडफादर से नहीं मिली होती है। ग्रैंडफादर लिव्स हाई अप इन द माउंटेन्स। ग्रैंडफादर जो है वो ऊंचे पहाड़ों पर रहते हैं, उनका घर पहाड़ी इलाके में है। ना हाइडी वॉज अलोन विद ग्रैंडफादर। अब हाइडी जो है ग्रैंडफादर के साथ अकेली है, उनकी मासी जा चुकी है। ही सैट ऑन द वुडन सीट लुकिंग एट द ग्राउंड, ही डिडंट से अ वर्ड। हाइडी के ग्रैंडफादर, जैसा कि यहाँ पिक्चर में भी दिख रहा है, एक वुडन सीट पर बैठे हुए हैं, और जब हाइडी उनके पास जाती है तो वो कुछ नहीं बोलते हैं, सिर्फ जमीन की तरफ देखते रहते हैं। हाइडी वॉक्ड राउंड द आउटसाइड ऑफ द हाउस। हाइडी जो है घर के चारों तरफ बाहर चक्कर लगाती है और देखती है कि दादाजी के घर के बाहर उसके क्या क्या है। एट वन साइड देयर वॉज अ रूम फॉर गोट्स। एक तरफ घर के एक तरफ किनारे पर बकरियों के लिए, गोट्स के लिए एक कमरा था, विच वॉज एम्प्टी, जो कि अभी खाली था। एट द बैक वर थ्री बिग ओल्ड फर ट्रीज। और घर के पीछे की तरफ तीन बड़े फर ट्रीज थे, जैसा कि यहाँ पिक्चर में दिख रहा है, कोनीफेरस प्लांट ट्रीज होते हैं ये, जो कि सिर्फ पहाड़ी इलाकों पर पाए जाते हैं। शी कुड हियर द विंड गोइंग थ्रू देम। और वहां इतनी खुली जगह थी, पहाड़ी इलाका था, तो कि जो हवाएं तेज चल रही थी उनकी आवाज उस पेड़ से होकर गुजरने पर उसे साफ सुनाई दे रही थी। The sound was like singing. उसको लग रहा था कि जैसे कोई मधुर गीत सुनाई दे रहा हो, कोई गाना गा रहा हो। And she stopped to listen. और वो कुछ देर वहां रुककर उस हवा की आवाज को, उस सॉन्ग को सुनने लगती है। Before going on round the house, घर के चारों तरफ और देखने से पहले वो वहां रुकती है और उस गीत को, हवा के गीत को सुनने लगती है। Grandfather was still in the same place. Heidi went and stood in front of him. Grandfather अभी भी अपनी जगह पर बैठे हुए हैं, same place जहां वो wooden seat पर बैठे थे, अभी भी वहीं बैठे हैं। Heidi जाती है और उनके पास जाकर खड़ी हो जाती है, उनके सामने। Look, stood in front, उनके सामने जाकर खड़ी हो जाती है। I want to see what you have inside the house. Sorry, I miss a line. What do you want to do? He said at last. जब थोड़ी देर हाइडी वहां खड़ी रहती है तो आखिरकार उसके दादाजी उससे कहते हैं, What do you want to do? अब तुम क्या करना चाहती हो हाइडी? I want to see what you have inside the house. मैं देखना चाहती हूँ कि आपके घर के अंदर क्या क्या है, क्योंकि बाहर तो उसने सारा कुछ अपने आप देख लिया था, she inspected everything outside. तो अब वो अंदर देखना चाहती है। दादाजी कहते हैं, her grandfather says, come then, he opened the door. आओ चले देखें फिर, और वो दरवाजा खोलते हैं। There was only one room in the house. घर में सिर्फ एक ही कमरा होता है,
बट इट वॉज लार्ज, पर वो बहुत बड़ा कमरा होता है। इन वन कॉर्नर वॉज अ बिग फायर प्लेस, घर के एक किनारे पे एक बड़ी सी फायर प्लेस होती है। जैसे यहाँ पिक्चर में दिख रहा है कि फायर प्लेस क्या होती है कि पहाड़ों पे बहुत सर्दी होती है, तो ज्यादातर घरों में वहां इस तरह से इनबिल्ट फायर प्लेस होती है घर के अंदर, ठीक है, जो कि रूम के अंदर वॉल के साथ बनी होती है और कमरे को हीट रखने में, कमरे को गर्म रखने में मदद करती है। विद अ टेबल एंड अ वुडन चेयर नियर इट, और उस फायर प्लेस के पास ही एक टेबल रखी होती है और एक लकड़ी की कुर्सी रखी होती है। इन अनदर कॉर्नर वॉज ग्रैंड फादर्स बेड, और दूसरे कॉर्नर में ग्रैंड फादर का बेड यानी कि उनका बिस्तर लगा होता है। देयर वॉज ऑल्सो अ बिग कबर्ड, वहां एक बहुत बड़ी सी कबर्ड भी होती है। इट हैड एवरीथिंग इन इट दैट ही नीडेड अ फ्यू क्लोथ्स, ही नीडेड अ फ्यू क्लोथ्स, बोल्स एंड प्लेट्स, और उस कबर्ड में सब कुछ होता है, वो सब कुछ होता है जो उन्हें चाहिए होता है। अ फ्यू क्लोथ्स, दादाजी के कुछ कपड़े, बोल्स, खाने पीने के लिए बोल्स थी, प्लेट्स थी, ब्रेड, चीज एंड ड्राइड मीट, वहां पे खाने के लिए उनके ब्रेड होती है, चीज होती है और ड्राइड मीट होता है। चीज तो आप सबको ही पता है, सब बच्चों को बहुत अच्छा लगता है। ही पुट इन हाइडीज थिंग्स विच डैडी हैड ब्रॉट, और उसी कबर्ड में दादाजी हाइडी की भी चीजें लगा देते हैं जो उसकी आंट डैडी अपने साथ लेकर आई होती है। हाइडी लुक्ड अराउंड द रूम, वेयर एम आई गोइंग टू स्लीप ग्रैंड फादर, एंड शी आस्क अनदर क्वेश्चन टू हिज ग्रैंड फादर, ग्रैंड फादर अब मैं कहां सोऊंगी, ठीक है। तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पेज, दादाजी से पूछते हैं कि तुम कहां सोना चाहती हो। Heidi noticed some steps in the corner. She climbed them up and found herself in a room under the roof. Heidi क्या करती है? पूरे रूम को जब देखती है तो उसको नोटिस करती है कि रूम के कॉर्नर में कुछ सीढ़ियां बनी हुई हैं, कुछ स्टेप्स बने हुए हैं। She climbed them up, वो उन पर चढ़कर ऊपर जाती है। And found herself in a room under the roof, और वो देखती है कि रूफ के नीचे एक कमरा होता है, ठीक है। देयर वॉज हे ऑल ओवर द फ्लोर, और उस कमरे में चारों तरफ हे, हे यानी सूखी घास, घास को सुखा के जो जानवरों को लिए रखा जाता है, दैट इज हे, तो वो सूखी घास पूरे कमरे में चारों तरफ होती है। एंड इट स्मेल गुड, और उसकी बहुत अच्छी खुशबू आ रही होती है। फ्रॉम अ विंडो इन द रूफ शी कुड सी द माउंटेन्स, और रूफ में ऊपर की तरफ एक विंडो होती है जिससे जो पीछे ऊंचे पहाड़ होते हैं वो अच्छे से दिखाई दे रहे होते हैं। आई एम गोइंग टू स्लीप हियर, शी कॉल्ड, इट्स नाइस हियर, कम एंड सी हाउ नाइस इट इज, और वो फिर डिक्लेयर कर देती है कि मैं तो यहाँ सोऊंगी, और इट्स नाइस हियर, यहाँ बहुत अच्छा है, आइए आप भी देखिए आकर। आई नो, आई हैव सीन इट बिफोर, ही आंसर्ड, दादाजी कहते हैं कि मुझे पता है, मैंने भी इसे पहले देखा है। Heidi made a little bed for herself out of the hay. Heidi क्या करती है? थोड़ी सी hay collect करती है और उसको bundle up करके अपने लिए एक bed जैसा बना लेती है. Then she called to grandfather to bring her some sheets. और फिर वो दादाजी को आवाज लगाती है, grandfather मेरे लिए कुछ sheets, कुछ चदरे ले आइए, कुछ बिछाने के लिए bed sheets ले आइए. He had no sheets, but he found some pieces of hard brown cloth. दादाजी के पास वहां पे शीट्स नहीं थी, तो उनके पास कुछ पीसेस थे कपड़ों के, क्लॉथ के, क्लॉथ पीसेस यानी कि कुछ कपड़ों के टुकड़े थे जो हार्ड ब्राउन क्लॉथ यानी कि जैसे जूट होता है ना बोरा, उस तरह से जूट क्लॉथ की तरह के ब्राउन हार्ड कपड़े थे। तो उन्होंने ही ब्रॉट देम अप एंड लेड देम ओवर द हे, और वो उसको लाते हैं ऊपर और उस हे के बेड को जो कि हाइडी ने अपने लिए बनाया था उस पर बिछा देते हैं। It's a lovely bed, Heidi cried. Heidi अपना बेड देख के बहुत खुश हो जाती है and she says, it's a lovely bed, ये तो बहुत अच्छा बेड है। I want to go to bed in it, but it's not night time now. मैं जाकर बेड पर अभी सोना चाहती हूँ, पर अभी तो रात हुई नहीं है। I think we should eat first, grandfather said, and they went down the steps.
क्या होता है, दादाजी कहते हैं कि नहीं अभी हम नहीं सो सकते, तो कोई बात नहीं, अभी हम चल के कुछ खा लेते हैं। हमें लगता है कि हमें पहले कुछ खा लेना चाहिए। ये कह के दादाजी हाइडी के साथ नीचे उतर कर आते हैं और फिर वो लोग खाने जाते हैं। ग्रैंडफादर मेड द फायर बर्न वेल, देन ही कट अ बिग पीस ऑफ चीज। ग्रैंडफादर क्या कहते हैं, अपनी फायर प्लेस पे अच्छे से आग को जलाते हैं जिससे रूम काफी गर्म रहे और फायर ठीक से जल जाए। फिर वो एक बड़ा सा चीज का टुकड़ा काटते हैं और क्या करते हैं, ही पुट इट नियर द फायर अंटिल इट वॉज गोल्डन ब्राउन ऑन ऑल साइड्स। और वो क्या करते हैं, उस चीज के पीस को फायर के पास में, फायर प्लेस के पास रख देते हैं जब तक कि वो गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता हर तरफ से, फ्रॉम ऑल साइड्स। हाइडी रैन टू द कबर्ड, शी गॉट आउट द ब्रेड एंड टू प्लेट्स एंड बोल्स एंड पुट देम ऑन द टेबल। हाइडी जल्दी से दौड़ के कबर्ड के पास जाती है, वहां से वो ब्रेड, दो प्लेट्स, बाउल्स और ला करके टेबल पर लगा देती है। सो यू कैन थिंक ऑफ फॉर योर सेल्फ, सेड ग्रैंडफादर, तो तुम अपने आप भी सोच समझ कर काम कर सकती हो। दैट्स गुड, ये बहुत अच्छी बात है। नाउ वेयर आर यू गोइंग टू सिट, अब तुम बैठोगी कहाँ। ही पुट हर इन टू हिज ओन चेयर, फिर दादाजी उसे अपनी ही चेयर पे बैठा देते हैं। रिमेंबर आई हैव टोल्ड यू कि वहां पे कमरे में बस एक चेयर होती है अंदर। द टेबल वॉज टू हाई फॉर हर बट द हॉट चीज एंड ब्रेड वॉज वेरी गुड। टेबल उसके लिए काफी ऊंची होती है लेकिन जो हॉट चीज और ब्रेड उसको दादाजी ने खाने के लिए दी वो बहुत टेस्टी होती है, वो उसे बहुत अच्छी लगती है। देन ग्रैंडफादर फिल्ड हर बोल विद गोट्स मिल्क, she drank without stopping until the bowl was empty. Grandfather क्या करते हैं, फिर उसकी जो बोल होती है उसमें वो पूरा गोट मिल्क अच्छे से भर देते हैं, ठीक है। और फिर वो क्या करती है हाइडी, वो पूरा दूध बिना रुके चुपचाप जल्दी से पी जाती है जब तक कि उसकी बोल खाली नहीं हो जाती है। That means she found it very tasty. जब हमें कोई चीज अच्छी लगती है तो हम जल्दी जल्दी उसे खा लेते हैं बिना रुके, तो उसी तरह हाइडी भी उसे खा लेती है। आई हैव नेवर हैड सच गुड मिल्क, शी सेड, और फिर वो कहती है मैंने तो कभी इतना टेस्टी दूध पिया ही नहीं। वेन दे हैड फिनिश्ड, ग्रैंडफादर क्लीन द गोट हाउस, देन ही फाउंड फोर लॉन्ग स्टिक्स एंड कट देम सो दैट दे वर ऑल द सेम। जब वो लोग खा चुके होते हैं, दादाजी भी खा चुके होते हैं, तो वो लोग फिर क्या करते हैं, गोट हाउस को क्लीन करते हैं। और देन ही फाउंड फोर लॉन्ग स्टिक्स, फिर वो बड़ी बड़ी चार लंबी स्टिक्स लेके आते हैं एंड कट देम सो दैट दे वर ऑल द सेम, और फिर वो उनको बराबर बराबर काट लेते हैं जिससे वो सब एक साइज की हो जाए। ही टुक अ पीस ऑफ वुड एंड मेड फोर होल्स इन इट, और फिर वो एक लकड़ी का टुकड़ा लेते हैं और उसमें चार होल्स करते हैं। देन ही स्टक द स्टिक्स इन टू द होल्स, और फिर वो जो चार लकड़ियां उन्होंने बराबर से काटी थी उनको उन होल्स में फंसा देते हैं। वाइल हाइडी लुक्ड ऑन इन वंडर, और ये सब कुछ हाइडी बहुत ही हैरान होकर देख रही होती है। व्हाट डू यू थिंक इट इज हाइडी, ही आस्क्ड। अब दादाजी उससे पूछते हैं कि बताओ तुम्हें क्या लगता है ये क्या चीज मैंने बनाई है। इट्स अ चेयर फॉर मी बिकॉज इट्स सो हाई। आपको पता है जब दादाजी की चेयर पे हाइडी बैठी थी तो उसके लिए टेबल बहुत ऊंची थी, तो दादाजी ने उसके लिए अपने हाथों से एक चेयर बनाई जिससे कि वो टेबल तक आसानी से पहुंच सके। सो ही मेड अ हाई चेयर फॉर हाइडी सो शी कैन सिट ऑन दैट चेयर एंड रीच द टेबल इजी। इवनिंग केम एंड द विंड इन द फर ट्रीज ग्रू स्ट्रॉन्गर, द साउंड मेड हाइडी वेरी हैप्पी। ये सब करते करते शाम हो गई और हवाएं तेज चलने लगी। जब हवा तेज हुई तो फर ट्रीज में से जो सुबह हवा की आवाज आ रही थी, जो हाइडी को एक सॉन्ग जैसी लग रही थी, वो अब और स्ट्रॉन्ग हो गई और इससे हाइडी और खुश हो गई। सडनली शी हर्ड द साउंड ऑफ मेनी फीट, तभी उसे अचानक कई सारे कदमों की आवाज सुनाई देती है। द गोट्स वर कमिंग डाउन फ्रॉम द माउंटेन रनिंग एंड जंपिंग एवरीवेयर। अब शाम हो गई थी, सारी गोट्स जो है माउंटेन्स के ऊपर से वापस आ रही थी।
माउंटेन्स पे, वहां पे उन्हें ले जाया जाता है घास फूस खाने के लिए। तो वहां से अब वो लौट रही थी, रनिंग एंड जंपिंग एवरीवेयर, सब जगह दौड़ती हुई और कूदती हुई वापस आ रही थी। एंड गोट पीटर, चिल्ड्रन यहाँ पे जो लिखा है गोट पीटर, इट शुड बी रिटन एज गोट हर्ड पीटर। गोट हर्ड होता है जो बकरियों की या गोट्स की देखभाल करता है, उसका नाम पीटर था। तो यहाँ थोड़ा मिसप्रिंट है, और तो यहाँ पे आप देख लेना गोट हर्ड होगा यहाँ पे कंप्लीट वर्ड। पीटर वॉज अमंग देम, तो वहां जो गोट्स वापस आई थी उनके साथ उनका गोट हर्ड भी था जिसका नाम पीटर था। He was a big strong boy of 11. वो एक बड़ा 11 साल का लड़का था। They reached the house and went on down the hill. अब वो गोट्स जो है दादाजी के घर तक आ गई और फिर और नीचे पहाड़ से उतरने लगी। But one white goat and one brown goat left the others and ran to grandfather. पर उस गोट्स के उन गोट्स के बीच में से एक व्हाइट गोट और एक ब्राउन गोट जो है दौड़ के ग्रैंडफादर तक के पास आ जाती है। ओ दे आर सो प्रिटी, हाइडी क्राइड। हाइडी ने जब उन गोट्स को देखा तो शी फेल्ट वेरी हैप्पी एंड शी क्राइड, अरे ये तो बहुत प्यारी है। वो चिल्ला के बोली, अरे ये तो बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी है। आर दे आवर्स ग्रैंडफादर, आर दे बोथ आवर्स, उन्होंने पूछा क्या ये हमारी है, क्या ये दोनों हमारी हैं? यस यस, गो एंड गेट योर बोल एंड सम ब्रेड। अब दादाजी बोले जाओ जाकर अपनी बोल ले आओ और कुछ ब्रेड भी ले आओ। ही पुट द बोल अंडर द व्हाइट कोट एंड बिगैन टू मिल्क हर। अब दादाजी ने क्या किया, बोल को लिया और व्हाइट कोट के नीचे रखा एंड ही स्टार्ट मिल्किंग द गोट, वो उस गोट से दूध निकालने लगे। सून द बोल वॉज फुल ऑफ मिल्क, जल्दी ही जो बोल था वो दूध से भर गया। नाउ ईट एंड गो टू बेड, योर नाइट ड्रेस इज इन द कबर्ड। अब दादाजी ने उससे कहा कि जाओ जल्दी से ये खा लो और तुम्हारा बेड टाइम हो गया है, जल्दी से खा के बेड पर जाओ और तुम्हारी जो नाइट ड्रेस है वो तुम्हारे कबर्ड में रखी है। आई मस्ट लुक आफ्टर स्नोई एंड ब्राउनी, और दादाजी ने कहा मुझे इन दोनों स्नोई और ब्राउनी को देखना है। तो जो व्हाइट गोट थी उसका नाम स्नोई और जो ब्राउन वाली थी उसका नाम ब्राउनी, ठीक है। द गोट्स फॉलोड ग्रैंडफादर इनटू द गोट हाउस, गोट्स दादाजी के पीछे पीछे गोट हाउस तक गईं। हाइडी फिनिश्ड हर ब्रेड एंड मिल्क एंड क्लाइंड अप द स्टेप्स टू हर बेड इन द हे। हाइडी ने भी अपना डिनर फिनिश किया और जल्दी से स्टेप्स चढ़ के ऊपर अपने बेड पर जो कि हे का बना हुआ था वहां चली, ठीक है। So, I hope you all like the story, kids. तो अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लग रही है और आपको मेरे एक्सप्लेनेशंस अच्छे लगते हैं तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और अगर आपको कभी भी इन चैप्टर्स में कोई क्वेश्चंस या एक्सप्लेनेशन हो तो प्लीज आस्क मी। थैंक यू।